नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश की ईटा में थाना कोतवाली नगर पुलिस तथा जनपदीय क्राइम ब्रांच टीम की प्रेस वार्ता करीब 8 दिन पूर्व कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत ज्वेलर्स की दुकान से हुई रिवॉल्वर व नकदी चोरी की घटना का किया सफल अनावरण। दुष्टातिर चोर चुराई गई लाइसेंसी रिवॉल्वर व नकदी सहित गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह के निर्देशन में चोर तथा लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली नगर पुलिस तथा जनपदीय क्राइम ब्रांच के संयुक्त प्रयास से करीब 8 दिन पूर्व नगर क्षेत्र में ज्वेलर्स की दुकान से हुई लाइसेंसी रिवॉल्वर तथा नकदी चोरी की घटना का सफल अनावरण कर दो शातिर चोरों को चोरी की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर व नकदी 3200 रुपये सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई। दिनांक 30 सितंबर 2022 को वादी अरुण कुमार गुप्ता विनोद भवन जीटी रोड थाना कोतवाली नगर एटा द्वारा कोतवाली नगर पर इस आशय की तहरीर दी थी। एटा संवाददाता हरिकेश बघेल की रिपोर्ट। दिनांक 30 सितंबर को एटा शहर में अरुण ज्वेलर्स की दुकान में रात्रि में नकबजनी हुई थी और उक्त घटना से संबंधित दो अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर पुलिस तथा क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से नकबजनी में चोरी गई लाइसेंसी रिवॉल्वर तथा 3200 रुपये बरामद हुए हैं। इस पूरे गैंग में 4 लोगों का ये पूरा गिरोह है, 2 अन्य की तलाश की जा रही है। क्या इन लोगों ने और भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है आसपास? इसका जो मास्टरमाइंड है वो अभी फरार है और उनकी गिरफ्तारी के बाद इसमें निश्चित रूप से और भी महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को लगने संभावित हैं। अभी इस घटना का पुलिस के द्वारा सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है जिसके बारे में भी छानबीन की जा रही है।